हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पॉलीनोमियल्स के बारे में। पॉलीनोमियल्स क्या होते हैं, उसके बेसिक कंसेप्ट और उसके बेसिस रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्लास 10 पॉलीनोमियल एनसीईआरटी बेस्ड। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे कि पॉलीनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स से। पी एक्स इज़ द सिंबल फॉर पॉलीनोमियल, और इसमें हम लोग देखते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल क्या है। सपोज़ जैसे कि इक्वेशन लिखी है 4x+2, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे वेरिएबल हमारे यहाँ पर x वेरिएबल है और इसके पावर जो है वो 1 है। तो दैट मीन्स ये जो होगा वो डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल उसकी होगी 1, इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल होगी। इसी तरह अगर लिखा है आपका 2y² - 3y+4, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये y हमारे यहाँ पर वेरिएबल से, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल हम लोग हाईएस्ट लेते हैं, दैट इज़ यहाँ पर ये सेकंड पावर, यानी इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो होगी वो सेकंड होगी। फिर इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन 5x³ - 4x² + x - √2, तो हाईएस्ट पावर वेरिएबल x में देखेंगे तो एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर मतलब ये हो जाएगा कि इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो होगी वो 3 होगी। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पे इक्वेशन लिखी है 7u6 - 3y2u4 + u² - u² + u - 8, तो यहाँ पे u हमारा वेरिएबल है लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है, u क्यूब पर 6 है, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलीनोमियल जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी वेरिएबल जो होता है वो रेशियो के टर्म में होता है, यानी 1/(x-1) जैसे लिखा है, √x+2 लिखा है, 1/(x²+2+3) लिखा है, तो ये हमारे जो होंगे वो पॉलीनोमियल नहीं होंगे, यानी रेशियो में हम लोग पॉलीनोमियल्स को कंसीडर नहीं करते हैं। यानी अगर 1/(x) लिखा है तो दैट मीन्स ये पॉलीनोमियल नहीं होगा। अब बात करते हैं कि हम लोग लीनियर पॉलीनोमियल किसे कहेंगे। लीनियर पॉलीनोमियल उन्हें बोलेंगे जिनमें सभी में पावर डिग्री पॉलीनोमियल की डिग्री जो होगी वो 1 होगी। जैसे लिखा है 2x-3, तो यहाँ पर देखेंगे x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल के अंतर्गत आएगा। इसी प्रकार √3x+5, तो √3x+5 पर देखेंगे तो यहाँ पर x की पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसी तरह से y+√2, तो y के ऊपर पावर 1 है, तो यानी ये लीनियर पॉलीनोमियल होगा। इसी तरह से तो यहाँ पर आप देखेंगे x-2/11, तो यहाँ पर x हमारा क्या हो जाएगा, वो लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा। इसी लिखा है 3z+4, तो z हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलीनोमियल हो जाएगा, क्योंकि पावर डिग्री पावर 1 है। इस तरह आप देखेंगे तो 2/3u+1, तो ये हमारे इसमें u की पावर पावर 1 है, तो ये हमारा लीनियर पॉलीनोमियल के अंतर्गत आ जाएगा। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं कि जिनके ऊपर पावर 1 है तो ये हमारा लीनियर पॉलीनोमियल के अंतर्गत आएगा। पॉलीनोमियल्स सच एज अगर बात करें 2x+5 - x²(x³+1), ये हमारे लीनियर पॉलीनोमियल नहीं होंगे, क्योंकि इनके ऊपर जो पॉलीनोमियल डिग्री है वो 1 से ज़्यादा है। आप यहाँ देख रहे हो x³+1, तो ये लीनियर पॉलीनोमियल नहीं होगा। पॉलीनोमियल होगा लेकिन लीनियर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लीनियर की कंडीशन में हमेशा पावर डिग्री जो होगी वो आपकी 1 कंसीडर करते हैं। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल किसे कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल जिनको बोलेंगे जिनके ऊपर पॉलीनोमियल डिग्री जो होगी वो 2 होगी या स्क्वायर होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x² + 3x - 2/5, तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो दैट मीन्स ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। वाई स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा। देन 2 - x² है, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। u/(3 - 2u²+5), क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। √5v² - 2/3v, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। 4v² + 1/7, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो आर द सम एग्जांपल्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, जिसमें कि आपने देख सकते हैं कि कोज कोफिशिएंट्स आर रियल नंबर एंड मोर जनरली एनी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन एक्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल इक्वेशन ax² + bx + c, जहाँ पर a, b और c हमारे
रियल नंबर्स हैं, जहाँ पर रियल नंबर्स हैं और यहाँ पर एक नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। अ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसमें क्यूबिक पॉलिनोमियल किन्हें बोलेंगे, जिनके डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, वो थ्री होगी। अगर थ्री है तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के आएगा। बात कर लेते हैं कैसे, अगर आप यहाँ पर दे सकते हैं जो फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ पर, तो टू माइनस एक्स क्यूब यानी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री थ्री, रूट टू एक्स क्यूब पॉलिनोमियल डिग्री थ्री यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर आप यहाँ देखोगे थ्री माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब पॉलिनोमियल डिग्री थ्री, थ्री एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन पॉलिनोमियल डिग्री थ्री। तो यहाँ पर ये हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गए। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहाँ पर ए बी सी डी हमारे रियल नंबर है और ए जो है वो नॉट इक्वल टू, सपोज़ यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया एक पॉलिनोमियल जिसमें आप देख सकते हैं पी एक्स क्यूब की जो वैल्यू ली गई है वो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर है। तो उसमें हम पुटिंग करेंगे वैल्यू, अगर एक्स बराबर टू तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस सिक्स, तो माइनस सिक्स ऑपरेंड रिप्लेसिंग बाय एक्स बाय टू इन विच द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर एट एक्स इक्वल टू टू। दैट मीन्स यहाँ पर जो अलग अलग वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने पर अलग अलग वैल्यूज मिल रही है, बट अगर हम कंसीडर कर दे रहे हैं ज़ीरो तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है वो माइनस फोर मिल रही है। तो यहाँ पर यह बात ध्यान रखा जाता है कि वैल्यू पुट करने पर क्या क्या वैल्यू जो है वो रिप्लेसिंग करने पर आ रही है। तो अगर हम बात कर लें अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है इन एक्स में और के हमारा एक रियल नंबर है, तो इस वैल्यू पे हमें ऑप्टेन बाय द रिप्लेसिंग पी एक्स इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के, क्या होगा अब ध्यान से देखिए, इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स एट एक्स इक्वल टू के और यहाँ पर डिनोट करेंगे बाय पी के, इज डिनोट बाय पी के। वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स, फंडामेंटल इक्वेशन यहाँ पर होगी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, और जहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस वन पुट करेंगे तो पी माइनस वन इस वैल्यू हो जाएगी। देन वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ पी एक्स, एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स माइनस फोर में एक्स स्क्वायर टू माइनस वन पुट कर रहे हैं तो पी माइनस वन पर ज़ीरो आ रहा है और नो डैट पी फोर पर भी ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पर मतलब ये हो गया पी माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड पी फोर इक्वल टू ज़ीरो, माइनस वन एंड फोर आर द ज़ीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड मोर जनरली आ रियल नंबर के इज सेड टू बी ज़ीरो ऑफ द पॉलीनोमियल पी एक्स इफ़ पी के इक्वल टू ज़ीरो।